दोस्तों, पिछले बीते कुछ महीनों में रेल हादसों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2023 को एक और रेल हादसा सामने देखने आया, जब विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही एक पैसेंजर अचानक से हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा तब हुआ जब आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में पढ़ने वाले कोठवलासा मंडल के अलमांडा कंथकपल्ली में एक बड़ा हादसा देखने मिला। अब हुआ क्या कि ओवरहेड केबल कट हो जाने के कारण रायगढ़ पैसेंजर ट्रैक पर ही खड़ी हो गई। हालांकि उसी समय पलासा एक्सप्रेस ने रायगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी। नतीजा यह हुआ कि रायगढ़ पैसेंजर के 3 कोचेस पटरी से उतर गए। इस हादसे में एक यात्री की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल राहत और बचाव दल का कार्य चालू है। अभी इस हादसे पे पूरी जानकारी आई नहीं है और हम इस पे निगाह बनाए हुए हैं। आखिर हादसा कैसे हुआ, इसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। वैसे एक ट्रैक पर 2 ट्रेनों का आना यह अमूमन इम्पॉसिबल ही होता है। वैसे एक ट्रैक पर 2 ट्रेनों का आना कोई सामान्य सी बात नहीं है। तो ट्रेन नंबर 08504 विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर स्पेशल विशाखापट्टनम से रायगढ़ के लिए डिपार्ट हुई थी। सामान्य दिनों में ट्रेन शाम को 6 बजे विशाखापट्टनम से डिपार्ट होकर मरिपल्लेम, कोटवलासा, अलमांडा, विजयनगरम, कोमटीपल्ली, बोबली जंक्शन, गुमाडा के रास्ते रायगढ़ की दूरी जो कि टोटल 186 किलोमीटर की है पूरी करती है। ये शाम को 6 बजे विशाखापट्टनम से डिपार्ट होकर रात 10 बजे रायगढ़ पहुंच जाती थी। ये टोटल एक 12 कोचेस की पैसेंजर है जो लगभग 4 घंटे 5 मिनट ट्रेवल करती है और ये डेली पैसेंजर है। तो ट्रेन अपने समय से ही चल रही थी। जैसे ट्रेन ने विजयनगरम क्रॉस किया था, ये हादसा सामने देखने आया। इस हादसे में 3 कोचेस डिरेल हो गए हैं। वैसे देखा जाए तो इस हादसे में 2 थ्योरी सामने आ रही है, जिसमें एक थ्योरी में कहा जा रहा है कि ट्रेन में चेन पुलिंग हुई थी और दूसरी थ्योरी में कहा जा रहा है कि ओएचई में कुछ समस्या थी। अब धीरे धीरे इसके तथ्यों का खुलासा होगा और इसे हर एक खुलासे का और हर एक कारण का हम आपसे जिक्र जरूर करेंगे। आज दिन होते हादसे लोगों के बीच भय का माहौल बनाते जा रहे हैं, जिससे रेलवे को जल्दी ही निजात पाना जरूरी है। अब इन हादसों के पीछे मानवीय भूल है या कोई तकनीकी समस्या, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।